गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 6:30 बजे, मतलब इंडिया में 9 बज चुके हैं एंड मैं अभी व्लॉग एडिट करना ख़त्म किया है। तो थोड़ा सा लेट अपलोड होगा बट आई होप यू गाइस डोंट माइंड, क्योंकि रात को हम बहुत थक गए थे फ्रेंड्स के जाने के बाद, तो थोड़ा लेट उठा एंड थोड़ा लेट एडिट हुआ, बट इट शुड बी फाइन। तो जैसे ही अपलोड ख़त्म होता है मैं जाता हूँ सोने एंड फिर उठेंगे सीधा ऑफिस का काम करने के लिए एंड फिर शुरू करेंगे आज का व्लॉग। तो गए सुबह के 11 बजे हैं एंड मेरा काम शुरू हो गया है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो फिलहाल घर से ही काम करेंगे। इस हफ्ते शायद मुझे एक बार ऑफिस जाना पड़ेगा बट अदरवाइज़ मोस्टली घर से ही है सारा काम। मौसम तो बहुत ठंडा है बहुत ज़्यादा, और ये आ गई मैडम, ये देखिए इसको, नौटंकी नौटंकी। ये लगता है ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो रही है साइज़ में, थोड़ी छोटी थी जब हम लेके आए थे। इनफैक्ट ये हमारे जो बाकी दो कैट्स हैं कोको और माइलो, उस जितनी ऑलरेडी हो चुकी है एंड इसका एज 4.5 मंथ्स अभी बस। और आशी देख रही है टीवी। तो सुबह सुबह प्रॉब्लम ही हो गया था कि मैंने वीडियो अपलोड पे तो डाल दिया था। अरे इधर नहीं, हाँ तो वीडियो अपलोड पे डाल के मैं सोने चला गया था, फिर प्रॉब्लम ये हो गया कि लैपटॉप स्लीप मोड पे चला गया और अपलोड रुक गया एंड मैंने वो चीज़ रियलाइज़ किया 8:30 बजे यहाँ के टाइम, 8:30 बजे तो इंडिया में हो रहा होगा 11 बजे। तो तब रियलाइज़ किया कि अपलोड तो हुआ ही नहीं, फिर आके मुझे अपलोड करना पड़ा, तो इसलिए व्लॉग अपडेट करने में थोड़ा लेट हो गया बट विल मेक श्योर कि अगली बार से ऐसा ना हो। तो अब मैं करता हूँ अपना काम और संभालता हूँ इस मैडम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉटी है ये, बहुत ज़्यादा। इसको देखिए मेडिटेशन कर रही है। मैं करता हूँ इसको थोड़ा कंघी, क्योंकि अदरवाइज़ ये कंघी करने नहीं देती एंड बिकॉज़ इसका फर इतना लंबा है, इसका कंघी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो इसके बाल हर जगह उड़ते रहेंगे। सो अभी मैं करता हूँ इसका कंघी एंड होपफुली ये ज़्यादा नखरे नहीं करेगी। मैं अपने बाल भी इतने कंघी नहीं करता जितना मैं इसकी रोज़ कंघी करता हूँ। अगर ज़्यादा परेशान होगी ना तो उठ के चली जाएगी अंदर स्क्रीन के पीछे। आवाज़ आई बाहर से तो फट से उठ गए। बाहर आरसी चल रही है, बाथरूम गई है तो कान खड़े हो गए इसके, नींद नहीं आ रही अभी। अभी थोड़ा ब्रेक मिला है काम से तो अभी मैं जाता हूँ, योगा कर रही है पीछे तो अभी मैं जाता हूँ और नहा लेता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि फ्रेश अप होना बहुत ज़रूरी है फिलहाल, क्योंकि आज सारा दिन बैठ के बहुत सारा काम करना है। माया अभी खा रही है अपना खाना और मैं हो गया हूँ एकदम फ्रेश और अभी कंटिन्यू करते हैं मेरा काम। आज काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं तो बचा हुआ दिन पूरा मीटिंग्स में निकल जाएगा। उससे पहले थोड़ा लंच भी कर लूँगा बट लंच करने से पहले मुझे 2 मीटिंग्स अटेंड करने हैं, तो मैं फटाक से उस काम पे लग जाता हूँ और हम वापस मिलते हैं शायद शाम को, लेट्स सी। मेरा वर्क स्टेशन देखिए पूरा बिखरा पड़ा है सब कुछ इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा जो स्पेस है पूरा वो इसने कब्जा कर लिया है, तो ये स्पेस मैं उतना आसानी से यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे सब कुछ सरकाना पड़ा इस तरफ। ताकि ये मैडम अपनी मनमानी कर सके यहाँ पे। माया सो रही है। व्हाट्सअप क्या बन रहा है आज? क्या बात है, रोटी के साथ? वाओ कांट वेट, बहुत भूख लगी है। वापस मेरा 3 बजे से मीटिंग है, 3 से 4 बजे तक। माया ये माया इसकी आंखें देखिए माया कंघी करने के तुरंत बाद इसका जो पूरा कोट है वो इतना शाइन करता है ना, पता नहीं वीडियो में कैप्चर हो पाएगा कि नहीं बट अरे अरे गिरेगी गिरेगी गिरेगी, रिलैक्स।
आज सारा दिन बैठ के बहुत सारा काम करना है। तो खत्म हो चुका है काम, बच गए हैं शाम के 4:30 बजे। यूजुअली मेरा काम 4:30-5 बजे तक खत्म हो जाता है। फन फैक्ट, फिनलैंड में दिन से 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करना इलीगल है। नहीं बट रियली ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता, कभी कभार मैं कर लेता हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा काम है, या अगर मुझे 1-2 दिन का काम पहले से ही निपटा के अगले 2-3 दिन टाइम पास करना होता है तो वो सब मैं कर लेता हूँ। बट आज के दिन एटलीस्ट अभी का काम ख़त्म हो चुका है, मैं भी शाम को बैठ के थोड़ा बहुत काम कर लूँगा। बट अभी करते हैं थोड़ा रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ यहाँ बैठ बैठ के। गाइस तो शाम के 7 बजे हैं और बाहर आसमान देखिए क्या लग रहा है, वाओ। बाहर जाने की हालत नहीं है बिकॉज बाहर बहुत ठंड है और उसके लिए काफ़ी कपड़े पहनने पड़ेंगे और हम आज बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं तो बाहर तो आज जाने नहीं वाले। बट यहाँ से तो आपको कलर्स दिखा सकता हूँ कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सो ये आया है गार्बेज ट्रक हमारे कॉलोनी में कचरा उठाने, तो ये सिर्फ कार्डबोर्ड्स उठाता है, कार्डबोर्ड्स एंड कार्टन्स उठाने आता है, बाकी टाइप के कचरों के लिए बाकी टाइप के गाड़ियाँ आती है। एक पॉइंट के बाद इतना खूबसूरत हो गया सनसेट कि मैं रोक नहीं पाया खुद को। अब तो पास जाके देखना ही पड़ेगा। आरशी आ रही है, वो फ़िलहाल मम्मी से बात कर रही है तो उसको थोड़ा आने में टाइम लगेगा, बट क्योंकि हो सकता है कि सनराइज़ में सो जाए, मैं जा रहा हूँ फटाक से उसको कैप्चर करने ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है स्काई। तो पहुँच गए हैं हम बीच पे और देखिए कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड देखिए हाल कैसा है। घने बादल, जरूर बारिश होगी जरूर। लगता है आज किसी का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है, इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा रोज यहाँ पे गिरा हुआ है, सो सैड। बट वॉट इज नॉट सैड इज दिस ब्यूटिफुल व्यू। अभी रोज इतना ब्यूटिफुल था कि मैं उसको वहाँ पड़े तो नहीं रहने दे सकता था, सो मैं जाके उठा लिया। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ये कितना प्यारा लग रहा है। एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, मेरे हाथ का साइज देखिए और ये गुलाब का साइज देखिए, और मेरे हाथ काफ़ी बड़े हैं रिलेटिवली स्पीकिंग, वाओ। तो ये हम गिफ्ट करते हैं आरशी को। और शाम का माहौल देखें यहाँ पे कितना प्यारा है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये वेव्स दिख रहे हैं आपको, उस सेल बोट की वजह से आए हैं, उसके वेव्स अभी आके यहाँ पे क्रैश हो रहे हैं देखिए। तो सनसेट तो मिस हो गया आरशी से, सारे कलर्स चले गए, बट आरशी को बाहर जाना है, उसको थोड़ा वॉकिंग करना है। तो अभी मैं घर जाता हूँ, थोड़े ग्लव्स और टोपी वगैरह पहन लेता हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और बिकॉज़ ये गुलाब काफ़ी गीला था इसको होल्ड कर करके और ठंड लग रही है क्योंकि इट्स वेरी वेरी कोल्ड। वैसे टेम्परेचर फ़िलहाल अभी 2 डिग्री सेल्सियस है तो काफ़ी ठंड है। हो गया, आई हैव समथिंग फॉर यू, नॉट दैट। ओहो हो, एक सेकेंड। थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल रोज। ये मैं अपना जान जोखिम में डाल के लेके आया हूँ तेरे लिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, क्योंकि ये समुंदर में था
और मैं समुंदर में उतर गया। ये लोटस दिख रहा है क्या? लोटस भी नहीं होता समुंदर में। ये ऐसा कौन सा फ्लावर है जो समुंदर में होता है? अरे नहीं, वो गिरा हुआ था, वो उग नहीं रहा था समुंदर में। ऐसा कैसे? वो गिरा हुआ था, किसी का और का होगा जो गिर गया होगा, तो इसीलिए किसी ने दिया होगा, वो गलती से गिर गया होगा। और या किसी ने किसी को रिजेक्ट कर दिया होगा और वो फूल तो मुझे दे रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल रोज। ये मेरे वाइट पे शूट कर रहा है ना? हाँ, बट लगाना मत, चाची नेहरू नहीं बनना है तुझे। हाँ, बाद में अच्छा लग रहा है। तो गाइस, अभी हम बाहर वॉक कर रहे हैं, पूरा अंधेरा है, तो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होके बात कर रहे हैं हम लोग आप लोगों से। एंड काफ़ी ठंड है, इसकी तो ऑलरेडी वाट लग रही है, निकल के 10 मिनट भी नहीं हुए। लिटरली अंधेरा सा लग रहा है पूरा, इसमें हार्डली कुछ दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर स्ट्रीट लैम्प का लाइट। क्या सही था ना एक टाइम पे समर में? yeah. रहती थी मस्त। हम घूमते ही रहते थे इस टाइम पे खाना yeah. खाने के बाद। इनफैक्ट 10 बजे भी निकलते थे बहुत बार। अभी हम आप लोगों को रात के टाइम दिखा भी क्या सकते हैं, और इमेजिन कीजिए विंटर आएगा जब 3-4 घंटे का सनलाइट होगा, तब हम लोग तो आप लोगों को हार्डली कुछ दिखा पाएंगे। बट दिसंबर से, क्योंकि क्रिसमस शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है सब कुछ। एंड ये जो आपको सूना सूना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, ये सब, ये सारा का सारा नेबरहुड अचानक लाइट अप हो जाता है। बट मीनवाइल देखिए स्काई कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। सो वी आर ऑन टॉप ऑफ अ हिल। वैसे हिल तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर। बादल देखिए, जरूर बारिश होगी आज। लेट्स गो बैक, इट्स वेरी कोल्ड। बहुत ठंड है ना? अरे तो हम लोग आ चुके हैं घर वापस, क्योंकि ठंड बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी और ना ही कुछ दिख रहा था बाहर। सो अभी हम चिल करेंगे घर पे, एंड आज का बाहर का एडवेंचर होता है अभी के लिए ख़त्म। तो अभी हमको लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कोको के साइज़ की हो चुकी है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि हम इसके ग्रोथ का थोड़ा रिकॉर्ड रख रहे हैं, हमने सोचा आज हम इसका पूरा का पूरा लेंथ मेजर करते हैं। तो अभी ये थोड़ी बिजी है, तो चलिए हमने एक नाड़ा निकाला है। नाड़े से पहले नापते हैं कि कितनी है, फिर उसको टेप के साथ लगा के देखते हैं कि उसका सीन क्या है। जरा रुकना, जरा रुक माया, तो ऐसे ही उसको आदत है। अरे अरे गिरेगी गिरेगी गिरेगी, अरे रुक तो जा। हो गया हो गया हो गया हो गया, रुक जा रुक जा मैडम, ऑलमोस्ट हो गया। तो इतना है इसका फिलहाल, उसके नोज के टिप से लेके उसके दुम के टिप तक, तो वो मेजर करते हैं पूरा। फिर इसका अलग से हम टेल वापस मेजर करेंगे ताकि इसके बॉडी का मेजरमेंट आए। 86 सेंटीमीटर्स, 86 सेंटीमीटर्स, ऑलमोस्ट 3 फुट की है ये, ऑलमोस्ट। तो ये हुआ इसका टेल का मेजरमेंट, 30 सेंटीमीटर्स। इसका टेल 30 सेंटीमीटर्स का है, और इसका पूरा बॉडी, और इसका पूरा बॉडी 86 - 30, दैट मींस 56 सेंटीमीटर्स। फिलहाल इसका लेंथ इतना है। माया देखते को कैसे पकड़ा है। हाँ, और इसका एज सिर्फ 4.5 महीने है। 4.5 महीने, ये अभी ऑलमोस्ट 2-3 साल तक पूरे साइज में ग्रो होते ही रहते हैं। माया इतनी जल्दी बड़ी होगी तो कैसा होगा? तो कोको के साइज की हो गई ऑलरेडी, कोको के साइज की हो गई तो, और तो उससे 3 साल छोटी है। थोड़ा शर्म कर, इसके दांत अभी पूरे बड़े नहीं हुए हैं। हाँ, उसके दांत नहीं बड़े हुए हैं। इतनी छोटी है कि दांत पूरे निकले नहीं है, बट साइज देखिए उसका कितना हो गया। ये क्या कर रही है तू? राम का कुछ अलग ही प्यार है इससे। दिन में उसको 3-4 बार कंघी करने बैठ जाता है उसके पास। तो गाइस खत्म करते हैं आज का ब्लॉग, एंड अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड हमारे साथ बने रहने के लिए वो बेल आइकन दबा देना। हम दोनों मिलते हैं, हम तीनों मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए, bye, take care.